हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसए एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 6 क्लास की हिंदी की किताब का चौथा चैप्टर वर्षा समीर। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हुए हैं इनको आपको देखकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। पहला शब्द है चंद्रमा, फिर है तरवर, फिर है अटखेलती, फिर है इठलाती, फिर है झकझोर। फिर आपका अगला प्रश्न है सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है कविता में किसकी अटखेलियों का वर्णन है। आंसर होगा कविता में बरसात की हवा की अटखेलियों का वर्णन है। फिर है हवा किससे खेलती है, तो हवा पहाड़ों के ढलान और मस्तक, आकाश पाताल तालाब के जल, नदी और झरनों की धारा, पेड़ों की डाल और घनी बेलों के साथ खेलती है। फिर है हवा की सहेलियाँ कौन कौन हैं, तो हवा की सहेलियाँ कौन हैं, कोयल, पपीहा, मोरनी और मोर हैं। फिर आपके हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें पहला प्रश्न है इस कविता में वर्णन किया गया है, तो इस कविता में किसका वर्णन किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, गर्मी ऋतु का, वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का या बसंत ऋतु का। आंसर होगा खा, वर्षा ऋतु का। तो इस कविता में वर्णन किया गया है वर्षा ऋतु का। फिर है आपका अगला प्रश्न बरसात में हवा होती है। बरसात में जो हवा होती है कैसी होती है, आनंददायक होती है, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है जब बरसात में हवा चलती है, या कष्टदायक होती है, या प्रचंड होती है, या शुष्क होती है। तो आंसर होगा का, बरसात में जो हवा चलती है बहुत आनंददायक होती है। तो पहले का आंसर होगा खा, वर्षा ऋतु का, और दूसरे का आंसर होगा का, आनंददायक। यह आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान भरने हैं, ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उनको देखकर कि जो भी सही लगे आपको, जिसमें आना है वो उसमें लिखना है। पहला है वर्षा धुले आकाश से या की सांस से, तो वर्षा धुले आकाश से या बादलों की सांस से। है आकाश से पाताल से लहराती हवा, तो आकाश से पाताल से झकझोर लहराती हवा। फिर है यह शून्य से होकर नव से आगे झपट, तो यह शून्य से होकर नव हर्ष से आगे झपट। फिर है यह खेलती है ढाल से ऊंचे शिखर के भाल से। तो पहले में आएगा वर्षा धुले आकाश से या बादलों की सांस से, पहले में आएगा बादलों, फिर आएगा आकाश से पाताल से झकझोर लहराती हवा, फिर दूसरे में आएगा झकझोर, फिर आएगा यह शून्य से होकर नव से आगे झपट, इसमें आएगा हर्ष से आगे झपट। तो पहले में हो गया बादलों, दूसरे में हो गया झकझोर, फिर हो गया हर्ष, फिर है यह खेलती है, तो यहाँ पर आएगा ढाल से। तो यह खेलती है ढाल से ऊंचे शिखर के भाल से। तो ये हो गया बादलों, झकझोर, हर्ष और ढाल। फिर है आपका अगला प्रश्न, ये है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है मधु सिक्त मधमाती हवा से क्या अभिप्राय है। तो आंसर होगा मधु सिक्त मधमाती हवा से अभिप्राय है। इसका मतलब ये है कि बरसात की हवा जो होती है मधुरता लिए होती है और वह मस्त होकर बह रही है। फिर है बरसात की हवा किसके भाल से खेलती है, तो बरसात की हवा ऊँचे पहाड़ों की चोटियों से टकरा कर बहती हुई आती है। तो बरसात की जो हवा होती है ऊंचे पहाड़ों की जो चोटियां होती हैं वहाँ से टकराकर बहती है, और पहाड़ों की चोटियों को ही कविता में पहाड़ों के भाल कहा गया है। तो पहाड़ों की जो चोटियां हैं उनको ही कविता में क्या कहा गया है, पहाड़ों के भाल कहा गया है, पहाड़ों के मस्तक कहा गया है। फिर है तरुमाल का क्या अर्थ है, तो कविता में पेड़ों की पंक्तिबद्ध कतार को तरुमाल कहा गया है। तो पेड़ों की जो पंक्तियाँ होती हैं, मतलब एक के बाद एक पेड़ जो लगे होते हैं कतार में लाइन से, तो उनको कहा गया है तरुमाल। बरसात की हवा पंक्तिबद्ध पेड़ों की डालों के साथ खेल रही है। तो बरसात की हवा जो होती है वो क्या होता है, एकदम बहती है, तो ऐसा लगता है कि जो बरसात की हवा है वो जो पेड़ों की पंक्तियाँ हैं, मतलब जो लाइन से पेड़ लगे हुए हैं उनके साथ बहती हुई जा रही हो, उनके साथ खेल रही हो। फिर है आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है बरसात की हवा किस किस से खेलती है। आंसर होगा कि बरसात की हवा ऊंचे ऊंचे पर्वतों के मस्तक से होकर ढलान तक खेलती है, साथ ही साथ आकाश से लेकर पाताल तक जोर जोर से लहराती हुई खेलती जाती है। बरसात की हवा तालाब के जल से और नदियों और झरनों की धाराओं के साथ खेलती हुई इस पार से
उस पार तक खुशी के साथ झूमती हुई आती जाती रहती है। मतलब जो हवा है वो सब तरफ रहती है, हवा पेड़ों की पंक्तियों में जाकर उसकी हर डाल के साथ खेलती है, मुलायम घनी बेलों के साथ खुशियों के साथ इतराती हुई खेलती जाती है। फिर है आपका अगला प्रश्न, बरसात की हवा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बरसात की हवा सबको खुशी प्रदान करती है, यह एकदम से नई खुशी के साथ सबसे लिपटती हुई आनंद देती है। बरसात की ठंडी ठंडी और सुगंध भरी हवा सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो बरसात की हवा मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी बहुत प्रिय है। तभी तो इस ऋतु में क्या होता है, कोयल और पपीहा गाने लगते हैं और जो मोर और मोरनी होते हैं वो नाचने लगते हैं। बरसात के बाद ही इंद्रधनुष दिखाई देता है और कभी कभी चंद्रमा के साथ बादल दिखाई देते हैं। तो जो बरसात की हवा होती है लाल और पीले बादलों के साथ रंगों की रेल भी बनाती है। फिर है आपका अगला प्रश्न, वर्षा ऋतु में ही इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। तो जब वर्षा ऋतु होती है तभी इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है और टाइम पर क्यों नहीं दिखाई देता, और जो ऋतुएं होती हैं उसमें क्यों नहीं दिखाई देता। आंसर होगा जब सूरज की किरणें वर्षा की बूंदों से टकराती हैं तब वह क्या होता है, बूंदें एक पारदर्शी शीशे का काम करती हैं। जब सूरज की किरणें वर्षा की बूंदों से टकराती हैं तो जो बूंदें होती हैं एक पारदर्शी शीशे का काम करती हैं, इसलिए जब सफ़ेद किरणें बूंद के पार निकलती हैं तब वह सात रंगों में बट जाती हैं और इसका आकार धनुष जैसा बन जाता है, इसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। यही कारण है कि इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात सूर्य निकलने पर ही दिखाई देता है, इसलिए यह वर्षा ऋतु में ही संभव है। तो क्या होता है जब वर्षा ऋतु में जो सूरज की किरणें होती हैं वर्षा की बूंदों से टकराती हैं तो जो ये बूंदें होती हैं एक पारदर्शी शीशे का काम करने लगती हैं, इसलिए जब सफ़ेद किरणें बूंद के पार निकलती हैं तब वो सात रंगों में बट जाती हैं, इसका आकार धनुष जैसा बन जाता है, इसको ही हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो ये जो इंद्रधनुष बनता है वो वर्षा ऋतु में ही बन सकता है क्योंकि उस समय ही बारिश की बूंदें होती हैं। तो ये जो इंद्रधनुष है वो सूरज निकलने के पश्चात ही दिखाई देता है, इसलिए यह वर्षा ऋतु में ही संभव है। फिर आपका अगला प्रश्न है, आकाश से, ढाल से, सांस से, भाल से। तो कविता की अंतिम समान ध्वनि को क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। तो प्रस्तुत कविता में से तुक का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार समान ध्वनियों का प्रयोग करते हुए आप भी कविता की पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर होगा, नद निर्जरों की धार से, इस पार से उस पार से, यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, नव हर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, इसकी सहेली है पिंकी, इसकी सहेली है चात की, रंगत्य कभी यह इंद्रधनु, रंगत्य कभी यह चंद्रधनु। तो यहाँ पर जो से ये आया है एंड में, तो ये क्या है, तुकबंदी है, तुक इसमें इसको हम कहते हैं तुक। तो कविता की अंतिम समान ध्वनि को हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। जैसे नद निर्झरों की धार से, इस पार से उस पार से, यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, तो ये क्या कहलाती हैं ध्वनि, तुक कहलाती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए, पीत घन, रक्त घन। इन शब्दों में जो पीत और रक्त शब्द है वो घन शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो इस प्रकार संज्ञा सर्वनाम आदि की विशेषता जो बताते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं विशेषण, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। तो विशेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं यहाँ बताया गया है। विशेषण के प्रकार हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परमाणुवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। परिभाषा क्या है गुणवाचक विशेषण की, किसी वस्तु व्यक्ति या भाव के रंग रूप आकार अवस्था आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति वस्तु या भाव के रंग रूप आकार की जो विशेषता बताई जाती है वो शब्द कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिन शब्दों में किसी वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। परमाणुवाचक विशेषण कौन सा होता है, किसी विशेष की मात्रा बताने वाले शब्द कहलाते हैं परमाणुवाचक विशेषण। जैसे हम कहते हैं 3 लीटर दूध या 1 किलो अनार, 2 किलो संतरे, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं परमाणुवाचक विशेषण। किसी की मात्रा को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं परमाणुवाचक विशेषण। फिर है संकेतवाचक विशेषण।
तो जब कोई सर्वनाम विशेषण का काम करता है उसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। जैसे हमने कहा यहाँ पर वह अच्छा खिलाड़ी है, तो हमने संकेत करके बताया कि वो अच्छा खिलाड़ी है, या यह आदमी यहीं रहता है तो हमने संकेत किया कि यह वाला जो आदमी है वो यहीं पे रहता है। तो ये उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मोटा हाथी, बड़ा घर, शुद्ध पानी, नीला आसमान, फिर है तीन अंडे, मतलब यहाँ पर संख्या बताई गई है कितने अंडे हैं, तीन अंडे हैं, और दूसरा छात्र, सैकड़ों पशु, कुछ लोग। मार्गवाचक का जो एग्जाम्पल दिया गया है, 3 लीटर दूध, 5 किलो अनार, 7 मीटर कपड़ा, थोड़ा घी। फिर है संकेतवाचक का, वह लड़का अच्छा खिलाड़ी है, यह आदमी यहीं रहता है। यहाँ पे कहा गया है कि आप भी निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण और विशेष छांटकर लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर है महामानव, गुलाबी साड़ी, 5 बालक, ठंडी हवा। तो शब्द है महामानव, गुलाबी साड़ी, 5 बालक, ठंडी हवा। विशेषण यहाँ पे हो गया महा और विशेष हो गया मानव। तो कैसा मानव है? महान मानव है, महामानव है। साड़ी कैसी है? गुलाबी। तो गुलाबी हो गया विशेषण और विशेष हो गया साड़ी, साड़ी की विशेषता बताई जा रही है। फिर है 5 बालक, तो 5 हो गया विशेषण और विशेष हो गया बालक। फिर है ठंडी हवा, ठंडी हो गई विशेषण और विशेष हो गया यहाँ पर हवा। प्रयोग करेंगे सरदार पटेल एक महामानव थे। फिर है सीता ने एक गुलाबी साड़ी पहन रखी है। फिर है 5 बालक पार्क में खेल रहे हैं। और चौथा हम बनाएंगे आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। महामानव का हमने बना दिया सरदार पटेल एक महामानव थे, और गुलाबी साड़ी का हमने बना दिया सीता ने एक गुलाबी साड़ी पहन रखी है, और 5 बालक का हमने बनाया 5 बालक पार्क में खेल रहे हैं, ठंडी हवा का हमने बना दिया आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न, प्रसाद की हवा ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से, पाताल से खेलती है, वैसे ही आप किस किस से खेलना पसंद करते हैं? आंसर होगा हम प्राकृतिक नज़ारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, पर्वत आदि से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, और यह नज़ारे हमें क्या करते हैं, खुशहाली से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही साथ हम पारंपरिक खेलों के साथ खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि कबड्डी है, खो खो है, गुल्ली डंडा है, छिपन छिपाई है। ये जो खेल होते हैं वो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं, और इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं इन खेलों से, कि आपस में कैसे एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। तो ये सारे खेल हम खेलना पसंद करते हैं। आप कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है ऋतुओं से हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो आंसर होगा शीत ऋतु जो होती है वो हमें मन से कोमल और दिमाग से ठंडे स्वभाव से रहना सिखाती है, और पतझड़ का जो मौसम होता है हमें अपनी बुराइयों को छोड़ने व अच्छाई को अपनाने का पाठ पढ़ाता है, और बसंत ऋतु जो होती है हमें हर्षोल्लास से रहना सिखाती है। ग्रीष्म ऋतु हमें दूसरे लोगों को प्यार व गर्माहट से मिलना सिखाती है। वर्षा ऋतु हमें सिखाती है कि अपनी सुख सुविधाओं को दूसरों पर बिखेरना और बांटना चाहिए। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। आपका अंत में बताया गया है इस चैप्टर में कि ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं, हमारे देश में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, वो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असाई एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।